नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज सिंपल सी बात बताने जा रहा हूं कि आपके पास कोई एक डेटा है, उसको आप एक पेज पे प्रिंट कैसे करेंगे। जी हां, बहुत ही मजेदार वीडियो है और हमें काफी इसकी जरूरत पड़ती है। आपके सामने जो डेटा दिख रहा है, इसको एक पेज पे प्रिंट कैसे किया जाए, इसके कई तरीके हैं। सबसे पहले तो आप चले जाए पेज लेआउट में। सबसे पहले इसकी मार्जिन को सेट कर लें। बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होता है, जो कि मैंने 0.75 सेंटीमीटर जो है टॉप से बॉटम से लेफ्ट से जो होता है, काफी ज्यादा मार्जिन होता है, तो नैरो करने पे काफी कम मार्जिन हो जाता है। उससे भी कम करना है तो कस्टम मार्जिन में जाके आप अपने हिसाब से मार्जिन सेट कर सकते हैं। हीडर फुटर नहीं है तो हीडर फुटर की जो मार्जिन है उसको हटा दीजिए, यहां से कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर लग रहा है कि आपका ओरिएंटेशन लैंड पोर्ट्रेट है तो उसको लैंडस्केप कर लीजिए, यहाँ से कर सकते हैं। पेपर की साइज अगर ग्लस सेलेक्ट है तो पेपर का साइज ग्लस सेलेक्ट कीजिए। फिर भी आपका पेज देखिए मेरा जो है, फिर भी मेरा एक पेज पे प्रिंट आउट नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ इसकी स्केलिंग को कम कर सकते हैं। इसका जो विड्थ है, विड्थ को ऑटोमेटिक की जगह पे 1 पेज कर दीजिए। तो इससे प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपकी प्रिंट तो एक पेज पे आएगी लेकिन काफी छोटी आएगी, 50% साइज रिड्यूस हो जाएगा सर, जो कि रीडेबल नहीं होगा। तो मैं इसको ऑटोमेटिक कर देता हूं और 50% को 100% कर देता हूं। यहां से अगर नहीं होता है तो आप देखिए आपका डेटा, जैसे मैं अपना डेटा देख पा रहा हूं तो मेरे डेटे में सब कुछ सेम है। डेटा जो है हमारा, जो डेटा का जो ये है टेक्स्ट है, जो डेटा है वो छोटा है, बस हेडिंग बड़ा है। तो हम अपने हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं और हम होम में, यहाँ हमारे पास अलाइनमेंट में होता है, अलाइनमेंट में ओरिएंटेशन होता है, इस ओरिएंटेशन को आप जो है ना टेक्स्ट रोटेट टेक्स्ट अप कर लीजिए। उसके बाद फिर पूरी सीट को सिलेक्ट कीजिए और किसी भी कॉलम, यहाँ 1 और 1 के बीच में ट्रायंगल होता है, उस पर क्लिक करके पूरी सीट सिलेक्ट की जा सकती है। उसके बाद जहां G और H या भी कोई भी कॉलन का जो बॉर्डर है उस पर कर्सर ले जाते हैं, आपका कर्सर कुछ इस तरह से हो जाएगा, उस पर डबल क्लिक कर दीजिए, ये आपका ऑटो फिट हो जाएगा। अब देखिए जो 3 पेज पे विड्थ आ रही थी, अब मेरा 1 पेज पे आ गया और मैं इजली इसको रीड कर पा रहा। जी हाँ, इजली मैं इसको रीड कर पा रहा। तो एडवांस एक्सेल की क्लासेस में इसी तरह के बहुत सारे ट्रिप्स, एक्सेल फॉर्मूला, वीवीएम, सब के रिलेटेड आप मेरे साथ सीखेंगे। तो मेरे चैनल पे बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही अगर आप चाहते हैं मेरे साथ लाइव क्लासेस लेना तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, डेमो क्लास का फॉर्म भरें, 2-3 क्लास डेमो लें एंड अच्छा लगे तो कोर्स को एनरोल करें। मेरी रिकॉर्डेड पेन ड्राइव को भी परचेज कर सकते हैं और साथ में हम लोग देते हैं फ्री टेलीफोनिक सपोर्ट। कभी भी किसी चीज की प्रॉब्लम हुई तो मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्काइप कर सकते हैं। तो मुझे आपकी कॉल की इंतजार रहेगा। फटाफट मेरा नंबर को सेव करें और एक व्हाट्सएप पे हाई मैसेज भेज दें। थैंक यू।